यथाशीघ्र माननीय न्यायालय में उपस्थित करना है उनको, नहीं तो इनके घर जितना भी अचल संपत्ति है इनका तुर्क किया जाएगा। विगत दो महीना पहले खुटौना प्रखंड के बाघा कुसमार गांव में बराती देखने के क्रम में गोलियां चली थी, जिसमें ललन शर्मा नाम के व्यक्ति जो बराती देखने के लिए पहुंचे थे, जिनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। बता दे कि ललन शर्मा मधुबनी जिला के पंडौर प्रखंड के मोहनपुर गांव के रहने वाले थे, जो खुटौना प्रखंड के बाघा कुसमार गांव में रहकर बढ़ई का काम करते थे। और इसी क्रम में जब वो गांव में आए बराती को देखने के लिए पहुंचे, तो वहीं पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर दनादन गोलियां चला दी, जिसके कारण घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। विगत दो महीना से अपराधी फरार चल रहे हैं, और इसी क्रम में खुटौना प्रशासन द्वारा इन अपराधियों के घरों पर इश्तेहार चिपकाने के लिए ढोल बाजे के साथ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि इन अपराधियों के घरों पर स्थानीय प्रशासन किस प्रकार से इश्तेहार चिपकाने के लिए पहुंचे हैं। सरेआम इश्तेहार चिपकाने से पहले ढोल बाजे के साथ उपस्थित होने के लिए आवाज लगाए गए। स्थानीय प्रशासन द्वारा बताया गया कि एक महीना के अंदर अपराधी या तो थाना में हाजिर हो या नहीं तो माननीय न्यायालय के सामने समर्पण करें। इस बाबत यदि एक महीना के अंदर अपराधी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके घरों की अचल चल संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। कुर्की करने के बाद उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ी जाएगी। ये घर जो तोड़ देंगे आप सब, तो घर तोड़ देंगे। तुम्हारा पापा और उसका पापा का बंटवारा है कागज। ललन शाह के घर पे इश्तेहार चिपकाया जा रहा है, यथाशीघ्र माननीय न्यायालय में उपस्थित होना है उनको, नहीं तो इनके घर जितना भी अचल संपत्ति है इनका तुर्क किया जाएगा। 30 दिन के भीतर आप अगर माननीय न्यायालय में या थाना पर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो इनके घर का विधिवत कुर्की की जाएगी। ललन शाह के अलावा जितेंद्र यादव, अरविंद यादव एवं अन्य नामजद अपराधियों के घरों पर इश्तेहार चिपकाए गए, जहां 30 दिन के अंदर इन नामजद अपराधियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है, अन्यथा 30 दिन के बाद इनके घरों की चल अचल संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाएगी।